सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपलब्ध हो गया हूँ कंपोस्टिंग के बारे में कुछ बातचीत को लेकर। खास करके शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है और इस प्रदूषण को यदि हम लोग लंबे समय तक बढ़ाते रहेंगे तो एक ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पर शहर में रहने लायक जिंदगी अब नहीं बचेगी और इसी के लिए प्रयास आज से शुरू की जानी चाहिए। आने वाले समय में शहर सुरक्षित रहे और खास करके बीमारियों का प्रकोप कम हो जाए और शहर में साफ सुथरा एक माहौल भी हो, यह हम लोग सभी की चाहत है और इसी चाहत को लेकर उपलब्ध हो गए हैं कि हम लोग कंपोस्टिंग घर में करें और घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करना सीख जाएं, जिससे कि मिक्स करके कचरा सड़क किनारे ना जाए और डंपिंग यार्ड में ना बदले। इस तरकीब को सीखने और सिखाने के लिए ये प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में आज उपलब्ध हो गए हैं कंपोस्टिंग के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करने के लिए। तो आइए चलते हैं अगले चरण में कि कंपोस्टिंग की ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी जिस पर हम लोग जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एक बिन होना चाहिए। ये बिन आप कोशिश कीजिए कि अपने सुविधा के अनुसार घर में जो रखने लायक जगह है उसके अनुसार करेंगे। और इस क्रम में यदि हम बात करते हैं तो ये 40 लीटर तक का ड्रम ले सकते हैं और इस ड्रम में यहाँ पर नीचे में एक टैप लगाना है और टैप लगाने के बाद ऊपर सुराख करनी है। सुराख आपको प्रत्येक 4 से 6 इंच की दूरी पर करनी है। आप कोशिश करें कि यदि 6 इंच पर हो जाए शुरुआती दौर में तो ये अच्छा चलेगा। इसके बाद यदि ज़रूरत लगे तो आप इसके समानांतर बीच में भी सुराख कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट बिन इस तरह से बनाएंगे जहाँ पर आप अंदर में देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरह से ये वाला फिट हो गया नलका। और इस नलके को फिट करने का जो है कारण वो ये है कि कंपोस्टिंग के दौरान कुछ एक लिक्विड बनता है, उस लिक्विड को भी कंट्रोल किया जाए। अब अगले चरण में बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में और क्या कुछ हम लोग करते हैं। कंपोस्टिंग के दौरान सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोकोपीट और इस कोकोपीट को नीचे बॉटम लेयर में डाल देते हैं। इस तरह से कोकोपीट का एक पूरा लेयर हमें बनाना ज़रूरी होता है। उसका कारण यह है कि जब अंदर में पानी या वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ एब्जॉर्बेंट है तो फिर हमारा कंपोस्टिंग भी अच्छा होने लगता है और नीचे बड़ा सिस्टमेटिक ये सारा चीज़ काम करता है। इस तरह से एक पूरा लेयर हम लोग कंपोस्टिंग में बिछा लेंगे और ये लेयर इस तरह का होगा कि जो इस अंदर में हम लोगों ने नलकी लगा रखा है इसी के आसपास में ये पूरा लेयर हो। तो ये कोशिश होगी कि ये पूरे अच्छे से बन जाए और यदि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी ये दिखा पाएँ। इस तरह से पूरा एक लेयर बनाने के बाद अब हम लोग कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को जानने के लिए आप बने रहें और एंजॉय करें आज के इस पूरे सेशन को। और इससे संबंधित जो कुछ भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, जिससे कि आने वाले और वीडियो में हम लोग कंपोस्टिंग के बारे में सरलता से आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें जो हम लोग खुद अनुभव कर रहे हैं या फिर अनुभव करके आपकी समस्या का निवारण कर सके। तो आइए चलते हैं अगले चरण में और देखते हैं कि क्या करना चाहिए। शहर में जगह कम होता है, खास करके समय भी कम होता है और हम लोगों की मनोदशा ये होती है कि बस भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है। इस जगह में ये बात करना ज़रूरी होगा कि आपके पास चाहे जैसा भी माहौल हो, मौसम हो और आपकी उपलब्धता हो, समय के अनुसार आप उनमें ढलने का प्रयास करें और एक दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकेंगे। इस क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको समस्या आएगी अपने घर से, जहां पर बहुत सारे घर के मेंबर आपको बताएंगे कि आखिर ये करने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ ज़रूरी यह है कि आपके इस प्रयास से आने वाले समय में जो शहर की चुनौती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग होगा और शहर का कचरा कम होने लगेगा। इसके साथ ही घर में यदि आप गार्डन बनाते हैं, घर में यदि आप बहुत सारे साधन जुटाना चाहते हैं तो आपके गार्डनिंग में ये कंपोस्ट बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा। जहां एक ओर कचरा कम हो जाएगा शहर का, वहीं दूसरी ओर हम लोग कंपोस्टिंग भी कर सकेंगे। इस क्रम में ये बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं और 1 करोड़ लोग 1-1 किलो कचरा सड़क पर फेंक देते हैं तो अब आप समझिए कि कितना बड़ा ये मैटर है, जिससे उठाने के लिए बड़े बड़े गाड़ियाँ, ट्रक और घंटी बजाती गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी और वो भी प्रदूषण करेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि मिक्स करके कचरा सड़क किनारे ना भेजें, जिससे कि हमारा शहर सुरक्षित हो सके। तो आइए जानते हैं कि हमारे पास और क्या कुछ रहता है कंपोस्टिंग में, उसी के बारे में आज बातचीत चल रही है। कंपोस्ट बिन भरने के बाद कोकोपीट से इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि जो घर से निकलने वाला कचरा है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाए। यदि आपके पास फल और सब्जियों के छिलके हैं तो इन फल और सब्जियों के छिलकों को छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर दें।
यदि आप छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करेंगे तो घर में कंपोस्टिंग सुचारू रूप से चलेगी। और इसके साथ साथ ये बात होती है कि कंपोस्ट बिन में डालने वाला जो हमारा फूड स्टफ है, ग्रीन पील ऑफ है, घर से निकलने वाला कचरा है, तो इन सभी को आपने ये देखना है कि एक जैसे मिक्स होने वाली चीज़ें इसमें कौन सी नहीं है। जैसे कि यदि हम बात करें तो कंपोस्ट में यदि आप कोशिश करें कि प्याज और लहसुन के छिलके को ना डालें, इसके साथ साथ नींबू वर्गीय जो आपके पास जैसे कि नींबू का है, संतरे का है, माल्टे का है, इस तरह का कोई स्टफ नहीं है तो उनको भी कोशिश करें कि इनको अलग कर दिया जाए। इसके अलावा फल के कोई ऐसे छिलके हैं जो बहुत बड़े बड़े साइज में हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जानकारी के लिए हम लोग आगे और बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कि ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में इसे अब हम लोग कैसे शामिल करेंगे। कंपोस्टिंग के दौरान यदि हम लोग कुछ एक बातों को ध्यान रखें तो हमारी कंपोस्टिंग सुचारू रूप से चलेगी। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि प्याज और लहसुन के छिलकों को अलग कर दें, इस तरह से नींबू के छिलकों को अलग कर दें, कोई फलों के बीज हैं या गुठलियाँ हैं उनको भी आप अलग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी कंपोस्टिंग सुचारू रूप से चलने लगती है। और अब ये जो स्टफ है इनको हम लोग डाल देते हैं। कंपोस्टिंग के दौरान हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास फल और सब्जियों के छिलके हैं उनको धीरे धीरे इसमें डाल दिया जाए। और डालने के साथ ही अब हम लोग इसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि ये एक बारी अंदर में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और स्प्रेड होने के बाद जितनी मात्रा में हमारे पास ग्रीन पील ऑफ है उसके अनुसार 1 से 5% तक कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट डालने से हम लोगों की ये कंपोस्ट में थोड़ा सा इसकी तेज़ी आती है। और इसके बाद हम लोग डालते हैं गुड़ का पानी। गुड़ का पानी 1 लीटर पानी लेकर रात में 100 से 200 ग्राम तक गुड़ को डालकर भिंगो कर रखना है और फिर अगले दिन इस तरह से गुड़ का पानी बना लेना है। और ये भी 1 से 5% तक हम अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे। और डालने के बाद अब इसे मिक्स कर देंगे। जो भी हमारे पास ग्रीन पील ऑफ है इस ग्रीन पील ऑफ को नीचे के लेयर को बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए हम लोग इस तरह से कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, जिससे कि ये बड़ा सिस्टमेटिक और सुचारू रूप से चल सके। और इसके साथ ही अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास अलग अलग दिन में कचरा निकलता है इस कचरे को डालते हुए इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, जिसमें हम लोग पहले ग्रीन पील ऑफ डालेंगे, फिर कोकोपीट डालेंगे और फिर गुड़ का पानी डालेंगे और उसे मिक्स कर देंगे। ऐसे करते हुए समानांतर रूप से हम लोग यहाँ तक आएंगे जहाँ पर ये हमारी सुराख बनी हुई है कंपोस्ट बिन में। यहाँ तक आने के बाद धीरे धीरे एक दो दिन के बाद देखेंगे तो ये कंपोस्ट कम हो रहा है और बनना शुरू हो गया है। तो अब हम नया कोई कंपोस्ट में ग्रीन पील ऑफ इसमें नहीं डालेंगे और फिर इस प्रक्रिया को हम लोग ऐसे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। कंपोस्ट में सारी चीज़ डालने के बाद इस तरह से हम लोग रखते हैं। और रखने के बाद अब कंपोस्ट बिन का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। सर्दी, गर्मी और बारिश के समय में कंपोस्ट बिन का जो प्लेसमेंट है उसके बारे में बातचीत चल रही है। सर्दियों के समय में हल्की गुनगुनी धूप, पूरब के तरफ की धूप लग जाए, ऐसे जगह में प्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। गर्मियों के समय में इस तरह से रखेंगे जिससे कि उत्तरी क्षेत्र में रखें और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप न लगे, या फिर सेमी शेड में रख सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। इसके अलावा बारिश के समय में बारिश का पानी यदि इसके अंदर जाने का कोई उपाय हो रहा हो किसी भी कारण से तो उससे बचाव करेंगे और थोड़ी ऊंचाई पर रखेंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकें। इसके अलावा कंपोस्टिंग में जो चैलेंज आता है उसके बारे में अब बातचीत चलेगी। कंपोस्टिंग के दौरान कुछ एक बातों का ध्यान रखना और भी ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपोस्टिंग जब स्टार्ट होगी तो इसमें से पानी निकलेगा, पानी बनेगा, तो आपको एक बोतल में इस टैप से पानी निकाल कर अपने बोतल को 80% तक भर के रख लेना है और उसमें एक डेट लिख देना है। इस पानी का उपयोग आप 2 महीने के बाद बायो फर्टिलाइज़र जैसा अपने पौधों में कर सकते हैं और ये डिकम्पोज होने के बाद बहुत ही अच्छा काम करता है। इस प्रक्रिया में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है ये 10 ml, 15 ml या 20 ml 1 लीटर नॉर्मल पानी में मिलाकर हम अपने पुराने और इस्टेब्लिश प्लांट्स में दे सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधों को पोषक तत्व मिल जाए और पौधे अच्छे चलने लगे। इसके साथ ही हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि बहुत ज़्यादा कीड़ा बन रहा है तो इसके साथ का पानी निकालना ज़रूरी है। और फिर हवा का भी यहाँ पर वेग ज़रूरी है, तो ज़्यादा कीड़ा बन रहा हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे
कि हमारे पास क्या कुछ और चुनौतियां कंपोस्टिंग से संबंधित आ रही है, जिसका हम लोग शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप बहुत सारी जानकारियों को लेकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास दुविधाओं का एक बहुत बड़ा फहरिस्त लंबा होने लगा है, और इस प्रक्रिया में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन समस्याओं का एक एक करके निराकरण हो, जिससे कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम आने वाले समय की जो चुनौती है उसे कहीं ना कहीं निजात पा सकें और इसे हम बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला सकें। कंपोस्टिंग के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर हम लोग समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।